subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Osela leya mena pe. Osela. आने से जिसके आई चमन में बहार गए, चमन में बहार गए। आने से जिसके आका फरमाते हैं, हजरत अली इस रिवायत के रावी हैं, इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ला बिहल बला। मेरी उम्मत जब 15 काम करने लगेगी, मैं ज्यादा तशरीह नहीं करूंगा, तर्जमा करूंगा। मेरी उम्मत जब 15 काम करने लगेगी तो उन पर मुसीबतों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर से इस उम्मत में मुसीबतों का सिलसिला है, लेकिन वो सिलसिले कभी खत्म नहीं होंगे। अहादीस में है कि तस्बीह के दाने की तरह एक पर एक मुसीबत आना शुरू हो जाएगा। अगर मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी, वो 15 काम में गिनवा दूं, गिनवा दें। नंबर एक, इदा कानल मगनम दुवलन। जब 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 हमारी उम्मत में माल गनीमत के माल को अपना माल समझने लगे, क्या मतलब? एक मिल्ली खजाने, एक आम खजाने को, एक मुश्तरका खजाने को, मिल्लत के खजाने को उसमें अपना खजाना समझा जाने लगे। जंग के जो जो माल हासिल होता है उसका नाम है गनीमत। लेकिन इसके ज़ेल में ये उलमा ने लिखा है कि मिल्ली खजाने पर कब्जा, इजारादारी होने लगेगी, अपना माल समझा जाने लगेगा, तो समझो हल भी हल बला, मुसीबत से मेरी मेरी उम्मत को कोई नहीं रोक सकता। वल अमानत मगनमन, नंबर दो, वल अमानत मगनमन, और अमानत को माल गनीमत समझा जाने लगेगा। किसी को सामने कोई पैसा अमानत दे दी, कोई जमीन अमानत दे दी, कोई वक्ती तौर पर किसी ओहदे को अमानत में दे दिया, कोई और चीज अमानत में दे दी, उस अमानत में खयानत होने लगेगी, वो माल अपना समझा जाने लगेगा। इल्म हमारे पास अमानत है मेरे भाई। हम उलमा के लिए भी ये जरूरी है कि इस अमानत को सही रास्ते पर हम खर्च करें। किस गांव में क्या जरूरत है, मुसलमानों को क्या जरूरत है, हम उलमा की भी जिम्मेदारी है। लिहाजा जब अमानत को माल गनीमत समझा, माल अपना माल समझा जाना लगेगा, तो समझो कि हमारी उम्मत पर मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वज़्ज़कात मगरमन, नंबर तीन, वज़्ज़कात मगरमन, ज़कात को माल टैक्स समझा जाने लगेगा, टैक्स समझा जाने लगेगा। हम मैं खवातीन से भी मैं इस सिलसिले में मुखातिब हूं। हमारे खवातीन सो जेवरात तो बना लेती हैं, मुझको इसका सबका पड़ता, मुझको मालूम होता रहता है, जेवरात तो बना लेती हैं, ज़कात नहीं देती। पांच पांच दस दस तोले के जेवरात बनाती हैं, ज़कात वाजिब हो रही नहीं, ज़कात ज़कात देने में परेशानी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अपना माल देना पड़ रहा, ऐसा महसूस हो रहा है कि माल कम हो रहा है, बददिली से ज़कात दे रहे हैं। मदरसे वाले को चंदा दे रहे हैं जैसे हम पर एहसान कर रहे हैं, मदरसे वाले को 100 रुपये दे रहे समझते हैं कि मैंने मदरसे के मोहतमिन पर एहसान रखा है, कल से मुझे वो सलाम करेगा, हमारे लिए कुर्सी लगाएगा। मदरसे के मुहतमिमीन आपके एहसान मंद नहीं है, हाँ आपका उनका एहसान आपके ऊपर है कि ज़कात के रकम को सही मसरफ में वो खर्च कर रहे हैं। अगर ये उलमा नहीं होते मेरे दोस्तों तो ज़कात की रकम कहाँ खर्च करते। इस वजह से कौम से ये बात मैं कहा करता हूँ, अवाम से ये बात कहा करता हूँ कि देखो ज़कात दो, मदरसों को बशासत से दिया करो, खुश दिली से दिया करो, मोहब्बत से दिया करो, उलमा को कुर्सियों में बिठा के दिया करो, चाय पिला कर दिया करो, खाना खिला कर दिया करो, खुद बुला कर दिया करो। कभी ये मत कहो कि तुम मेरे दरवाजे में बाद में आना, दो दिन के बाद आना, तीन दिन के बाद आना। वो ज़कात मगरमन, ज़कात को मेरी उम्मत जब टैक्स समझेगी। हम गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं, आप मुझे बताइए कि टैक्स से बचने के लिए कोशिश हम करते रहते हैं कि नहीं करते? बहाने कोशिश हम करते हैं कि टैक्स कैसे बचा जाए। ज़कात को जब टैक्स समझा जाने लगेगा मेरे भाई, तो हमारी उम्मत में मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आगे है नंबर चार,
बाप का नाफरमान हो जाएगा। वबर्रा सदीकहू वजफा अबा, बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ के सामने दो मिनट बैठने के लिए रवादार नहीं होगा। घर में वो खांस रहा है, बीमार है, उसके पास बैठने के लिए तैयार नहीं है। वही नौजवान बेटा, वही नौजवान औलाद अपने दोस्तों की मजलिस को जाके गर्म करेगा। अगर वो नौजवान उस मजलिस में नहीं जाएगा तो मजलिस गर्म नहीं हो सकती है। मजलिस में लुत्फ नहीं आएगा जब तक फला नौजवान नहीं आएगा। लेकिन उसी नौजवान का माँ बाप एड़िया रगड़ रहा है वालिदैन अपने घर में, लेकिन उसके पास बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसी को कहा गया है बर्रा सदीकहू वजफा अबा, अपने दोस्तों के लिए बेहतरीन साबित होगा और बाप के लिए मुश्किल खड़ा करेगा और बाप के साथ अच्छे से पेश नहीं आएगा। तो समझ लो कि मेरी उम्मत में मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? सातवां, वअक्उमहु, अपनी बीवी का फरमाबरदार हो जाएगा और माँ का नाफरमान हो जाएगा। भाई बीवी को हुकूक अदा करना शरीयत कहती है, अब हुकूक अदा कीजिए। लेकिन बीवी के हुकूक की अदायगी में अगर माँ की नाफरमानी हो रही है तो दोस्तों ये दुरुस्त बात नहीं है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। आज हर घर में ये मामला है। आका फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक सहाबी हैं, फरमाते हैं कि हम किनकी खिदमत करें? आका फरमाते हैं माँ की। फरमाते हैं किनकी खिदमत करें? माँ की। फिर फरमाते हैं किनकी खिदमत करें? माँ की। चौथी दफा बाप की। कहते हैं, पूछा कि माँ की फजीलत ज्यादा क्यों है? मेरे दोस्तों, माँ की फजीलत यह है कि 9 महीने पेट में रखा है माँ, और रातों को उसको नींद नहीं आ रही है, वो पूरी नींद वो सो नहीं पा रही है। हमलतुहु कुरहा ववदअतुहु कुरहा, और जब वलादत होती है तो जांकनी के आलम में होती है। फिर उसके बाद 2 साल लगातार अपने सीने से चिमटा कर मां रखती है और चिमटा करके दूध पिलाती है, अपनी तमाम मुसीबतों को मेल मोल लेती है और बच्चों की परवरिश करती है। उस माँ के लिए उस औलाद, जवान औलाद के पास वक्त नहीं है। जब ये काम मेरी उम्मत में होने लगेगा तो मेरी उम्मत में मुसीबतों का सिलसिला शुरू। अल्लाह ताला हमारी से हिफाजत फरमाए। आगे फरमाते हैं आका, वर्तफातिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में शोर होगा होने लगेगा, आवाज बुलंद होने लगेगी, तानो तस्बीह का माहौल बन जाएगा, शिकवा शिकायत होने लगेगी, मस्जिदों का तकद्दस पामाल होने लगेगा। आज देखिए दुनिया की बातें हम मस्जिद में जाके करते हैं, मस्जिद में बैठ के जाके करते हैं। इस वजह से ये काम जब होने लगेगा तो हमारी उम्मत में खैर नहीं रहेगी, फितनों का और मुसीबतों का दरवाजा। 7 हो गए, 8 हो गए। वह उक्रिमर रजुल मखाफत शर्रही, अजीब बात फरमाई, अजीब बात है। आज जहां चाहिए जिस पंचायत में जाइए, आज हमारे यहाँ पंचायत बड़ी बड़ी होती है और पंचायत में बहुत सारी पंचायतों में फैसले हमारे जो जालिम है उसके हक में फैसले हो जाते हैं। मजलूम के हक में फैसले नहीं हो पाते हैं, जालिम के हक में फैसले हो जाते हैं बहुत जगहों। मेरे भाई फरमा, उक्रिमर रजुल मखाफत शर्री, लोगों की इज्जत की जाएगी, लोगों को सलाम किया जाएगा, लोगों को साहब सलाम किया जाएगा उसके शर से बचने की। इस वजह से इज्जत नहीं की जाएगी कि ये इज्जत का मुस्तहिक है, ये बाफजल आदमी है, इसके अंदर कोई खूबी है तो हम इज्जत कर रहे हैं। नहीं, अगर इसकी इज्जत हम नहीं करेंगे तो कल हमारी ये जाकर के थाने में रपट लिखवा देंगे। अगर इसकी हम इज्जत नहीं करेंगे तो हमारे सिलसिले में ये कार्रवाई करेगा। अगर हमारी उम्मत के दरमियान और मुसलमान मुआशरे में, मुसलमान समाज में जिस दिन ये उंसुर आ जाएगा कि लोगों की सरदार की इज्जत की जाएगी उसके शर से और उसके बचने के लिए, तो समझो कि हमारी उम्मत में ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, अजाब का सिलसिला और फितनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और मेरे भाई, जहां चाहिए इसका मुशाहिदा करें। वलाना आगे है, वशुरिबतिल खुमूर, शराब आम हो जाए।
आप देख लीजिए, आप जायजा ले लीजिए। ये बात कहने की नहीं है कि आज मुस्लिम नौजवानों में शराब का कितना चलन हो रहा है, कितना बढ़ावा मिल रहा है, कितनी शराब पी रहे हैं। कहते हैं शराब के नाम से बाजार में जो चीज मिलती है वो शराब है, लेकिन जो भी नशावर चीज है वो शराब के दर्जे में है। जो अक्ल को नशे में डाल दे वो शराब है, उसकी हुरमत उलमा ने लिखी है वो हराम है, चाहे ताड़ी पिए, चाहे शराब पिए, चाहे कोई चीज। आज मुसलमान नौजवानों को शराब से बचने की जरूरत है। وَتُخِذَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ रेशम आम हो जाए। रेशम के कपड़े औरतों के लिए है, आज मर्द रेशम के कपड़े बनाएंगे। रेशम के कपड़े मर्दों के लिए हराम। हमारे आज देखिए, समाज में देखिए, रेशम के कपड़ों का चलन बहुत हो गया। जब ये होने लगेगा तो हमारी उम्मत में तबाही का सिलसिला शुरू हो जाएगा। وَتُخِذَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ हर घर में गाना बजाना आम हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आती थी। आज से 20 साल पहले बात आती थी, सिनेमा हॉल बने हुए थे और जिनके पास पैसे थे वो टेलीविजन लाते थे, और थोड़ा पैसा होता था तो वो जो एंटीना होता है बड़ा वाला, जिसमें क्या बोलते हैं उस एंटीना को, वो एंटीना लगाते थे जिसमें दुनिया के तमाम खुराफात चीजें उसमें आती थी। अब तो न एंटीना की जरूरत है, न सिनेमा हॉल जाने की जरूरत है, अब तो हर एक के हाथ में सिनेमा हॉल है। आज हमारी उम्मत की, हमारे नौजवानों की बेहतरीन सलाहियत मोबाइल में जाये हो रही है। आज एक सर्वे आया है भी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले, कि मुस्लिम महलों में सबसे ज्यादा नेट का इस्तेमाल होता था। ये मैं कहा करता हूँ, ये किताब को डाउनलोड करने में नहीं, किताब को पढ़ने में नहीं, रीडिंग में नहीं, कि किसी मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं नौजवान, नहीं, बल्कि इंटरनेट का इस्तेमाल खुराफात में कर रहे हैं, वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। हम कहते हैं, हम हुकूमत से शिकवा करते हैं, हर हुकूमत से शिकवा करते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती। आप मुकाबला जाति इम्तिहान में आईपीएस आईएएस इम्तिहान दीजिए, आप पास होइए, आईपीएस के इम्तिहान दीजिए, इंजीनियर बनिए, बहुत सारे इम्तिहान आते हैं, मुकाबले के इम्तिहान दीजिए, आपको नौकरी मिलेगी। आप चाहेंगे तो आप नौकरी छीन सकते हैं, लेकिन अपने अंदर कमाल पैदा कीजिए। आज से यह हद कीजिए कि अपने औकात को मोबाइल में जाया नहीं करेंगे। इंशाल्लाह नौजवानों से ये मेरी गुजारिश है कि आला तालीम की तरफ पढ़ो। हमारे नौजवान इस इलाके में, जिस इलाके में रहते हैं, आला तालीम का बिल्कुल फुकदान है। आला तालीम की तरफ लोगों की तवज्जो है ही नहीं। इस वजह से मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मोबाइल से बचो, अपने औकात को पढ़ने में लगाओ। आखिरी में आका फरमाते हैं, वलअना आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वला। मेरे भाई, मेरी उम्मत के कुछ लोग जो इस मौजूदा जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो पहले वालों को बुरा भला कर। नौजवान है, नौजवान कमेटी है, जो बुजुर्ग कमेटी है, उनको समझते हैं कि सारे के सारे अक्ल से मावरा हो, कुछ नहीं जानते, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। बाप बूढ़ा हो गया है घर में, नौजवान बाप या नौजवान बेटा ये कहता है, ये अक्ल, इसका फैसले करने की सलाहियत खत्म हो गई। मुझे बड़ी हैरत हुई, आज से 2 रोज पहले बहुत अहम एक आदमी मिलने वाले मेरे दोस्त, मेरे दिल पे इतना असर है कि मैंने अपने भाई से इसका तज़किरा किया कि एक नौजवान बेटा बैठा हुआ अपने वालिद से एक दोस्त के सामने ये कह रहा है कि आप मेरे वालिद को बात की बात मत सुनिए, आप इनकी बात को मत सुनिएगा, इनकी बात का कोई एतबार नहीं है, बात मेरी सुनिए, मैं जो फैसला करूंगा वो सही फैसला। लाना आखिर हादिह उम्मति अव्वला। नौजवान अपने पेशरों को, अपने बुजुर्गों को, अपने बूढ़ों को लान तान करने लगेगी तो मेरे करने लगेंगे तो समझो कि मेरी उम्मत में क्या होगा। फरतकिहुम रीहन हमरा मैं इस मौके पे, चूंकि उलमा का मजमा है, मेरे भाई लाना आखिर हादिहिल उम्मति अव्वला, इसमें आदमी जब तनकीद करता है, किसी की शिकायत करता है, पीठ पीछे गीबत करता है, तो बोलते बोलते उसको ये उसका ये हवास नहीं रहता है कि हम किसके सिलसिले में बोल रहे हैं। ये मुहद्दिसीन लिखते हैं, उलमा ये लिखते हैं, जिसको तनकीद की आदत हो जाएगी, जिसको किसी के पीछे कीड़े निकालने की आदत हो जाएगी, जिसको किसी की गीबत करने की आदत हो जाएगी, मेरे भाई डरना चाहिए, डरना
डरना चाहिए, जरूर डरना चाहिए, कहीं जाकर के उसकी जबान सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सिलसिले में दराज नजर आ जाए। ला तसुबु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। इज़ा रईतुमुल लदीन यसुबून अस्हाबी फकूलू लअनतुल्लाह अलैकुम। जब किसी को देखोगे मेरे सहाबा को सब शतम कर रहा है, हदफ़े तंकीद बना रहा है, तो तुम कह दो तुम पर अल्लाह की लानत हो। उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, तसुब्बु सब्बा या सुब्बु के माने हैं अरबी में गाली देने। लेकिन मेरे भाई हमारे समाज में गाली कहते हैं फोहश गाली देना, फोहश बात करना, इससे वसी माना है अरबी में। सब्बा या सुब्बु के माने हैं बुरा भला कहना, और गाली देने के लिए ठेठ लफ्ज है अरबी में। गाली देने के लिए ठेठ लफ्ज है अरबी में शतम का लफ्ज है। शतम यशतमु के माने हैं गाली देना, सब्बा या सुब्बु के माने हैं हदफ़े तंकीद बनाना। लिहाजा सहाबा को गाली देने का मसला नहीं है, मसला यह है कि सहाबे किराम को जो हदफ़े तंकीद बनाएगा, जो उस तक कहेगा उनके अदले सहाबा पे जो उसको शुबा होगा, वो अपने ईमान की खैर करेगा। आका फरमाते हैं हदीस में है कि दुनिया में अल्लाह ने दिलों पर नजर दौड़ाई। एक रवायत बात करके बयान करके अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह ने दुनिया वालों के दिलों की तरफ देखा, सबसे बेहतरीन और खूबसूरत दिल अल्लाह ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को पाया। चुनांचे अपनी बेसत के लिए, अपनी रिसालत के लिए और अपने पैगंबरी के लिए उनको मुंतखब कर लिया उस दिल। और फिर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के इंतखाब के बाद पूरी दुनिया के लोगों के इंसानों के कुलूब की तरफ देखा तो सबसे बेहतरीन दिल पाए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम के दिल को, उनके दिलों को मुंतखब किया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त और हमनशी बनाने। तो सहाबे किराम के सिलसिले में हमें कफ़े लिसान से काम लेना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमने जो बातें कही हैं आप उस पर अमल करने की कोशिश करें। इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से, मदरसे के ताल्लुक से, देखिए भाई मदरसे से अगर आप ताल्लुक रखेंगे तो दीन बाकी रहेगा, अगर मदरसे से ताल्लुक बाकी नहीं रखेंगे तो दीन बाकी। ये देखिए किसी भी फैक्ट्री में माल तैयार होता है, आप फैक्ट्री में जब फैक्ट्री बंद हो जाए तो कुछ दिन वो माल चलता है बाजार में, मालूम ये होगा कि वो भाई वो मॉडल खत्म हो गया, वो सामान खत्म हो गया कि फैक्ट्री बंद हो गई। आप मुझे बताइए, थोड़ा सा जोर डालिए अपने दिमाग में, अपने अक्ल में, कि अगर मदरसे ये तमाम के तमाम बंद हो जाएं, जो फैक्ट्रियां हैं ये हमारे लोगों जैसे पैदा करने के लिए, ये हुफाज को पैदा करने के लिए, उन उलमा को पैदा करने के लिए, ये फैक्ट्रियां अगर एक दिन के लिए पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां सिर्फ एक घंटे के लिए बंद हो जाएं, निजामे आलम मुतासिर हो जाएगा, निजामे आलम मुतासिर हो जाएगा। लिहाजा ये तमाम के तमाम फैक्ट्रियां, छोटा पार्ट हम बनाते हैं, छोटी से बड़ी फैक्ट्रियां हैं, छोटे पार्ट्स बनाते हैं। कार बनती है तो कार एक ही जगह नहीं बनती, मैं आपके समझाने के लिए कह रहा हूँ, कार का बॉडी कहीं बनता है, इंजन कहीं बनता है, उसका फना सामान कहीं बनता है, फना सामान। हम हाफिज बनाते हैं, हम प्राइमरी पढ़ाते हैं, पढ़ा के दारुलूम भेजते हैं, फारसी पढ़ाते हैं, मुफ्ती साहब के यहाँ भेज देते हैं, मुफ्ती साहब आर उसे मांझ देते हैं, दारुलूम भेज देते हैं। हम लाते हैं बिल्कुल कचरा माल लाते हैं, हम खाम माल लाते हैं, हम जमीन से लोहा निकाल के निकालते हैं, हम पहाड़ों से लाते हैं पत्थर को, हम उसमें तराशते हैं और तराश करके हाफिज बनाते हैं, हाफिज बनाकर के उसे बड़े कारखाने में भेजते हैं, बड़ा कारखाना उसको और खूबसूरत देवबंद भेज देते हैं, देवबंद से आकर के अब वो सद्य सिकंदरी बन कर गया, देवबंद से पढ़ करके आया तो वो न किसी मिनिस्टर से डरेगा, न किसी सियासी आदमी से डरेगा, न हुकूमत से डरेगा, हर मुकाबले हर फितने का मुकाबला इतनी मजबूती से करेगा तो कोई भी सियासी इस तरह मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा मैं कोशिश कर, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मदरसे के साथ हमको लग के रहना है इंशाअल्लाह। आपको आवाज दे उलमा 12 बजे रात को, तब 12 बजे रात आ पाए इंशाल्लाह, ताकि मदरसे हमारे जिंदे रहें। ये छोटे ये मौन इम्तियाज का मदरसा कोई मामूली मदरसा, अरे भाई ये तैयार कर रहे हैं मौन रुस्तम साहब, अभी मौन अकरम साहब ने मदरसा कायम किया चीनों में, अल्हम्दुलिल्लाह कितना अजीम शान इदारा कायम किया, इतना अजीम शान प्रोग्राम किया, इतना बेहतरीन प्रोग्राम किया, सूबे के सब मुकद्दर उलमा वहां मौजूद थे, और जिस गाँव में जरूरत थी मदरसे की हम तमाम ने उनकी ताईद हासिल की।
और वो मदरसा इंशाल्लाह एक दिन आकर के इस इलाके की पूरी खिदमत करेगा। आप हमारे गुजरात के मेहमान आए हैं, इनको ये लग रहा होगा कि झारखंड जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, इलाके में जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ उलमा होंगे कि नहीं होंगे, वहाँ मदरसे हैं कि नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जितने भी जहाँ के भी उलमा आ जाएंगे, जहाँ के भी उसूद आ जाएंगे, झारखंड में भी उलमा मिलेंगे, हुफाज मिलेंगे। अल्लाह ताला इस गुलशन को इसी तरह से आबाद रखे, शाद रखे, और हमको मुसलमानों की और मदरसों की खिदमत करने वाला और उसमें इस्तेकामत नसीब फरमाए और इखलास की दौलत से मालामाल फरमाए। हमने जो बात कही है अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सहबिही अजमईन।